समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीमसरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। पर समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे तीन जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? दो, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? और तीन, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर है हां, तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूं समझिए वक्त आपके साथ है। फिर कल, आज और कल, बस आप ही होंगे सफल। मैं हूं कोरोना वायरस। मैं इस मानव जाति को समय के साथ चलने नहीं दूंगा। खत्म कर दूंगा इस पूरी मानव जाति को। जीतने नहीं दूंगा, समय के साथ चलने नहीं दूंगा। मैं इनके शरीर में ऐसा बैठूंगा कि मानव को चक्कर में डाल दूंगा। मुझे छेड़ा है इस मानव ने, मुझे छेड़ के इसने मुझे नहीं अपने आप को धोखा दिया है। मैं इनके शरीर में ऐसा बैठूंगा कि मानव से दूर हो जाएगा। देखना चाहते हो मेरा प्रभाव? तो देखो। फैल गया है। हाँ यार,
ठीक नहीं रही, मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लगता है मुझे बुखार आ रहा है। क्या कह रहे हो पापा, ये सारे लक्षण तो कोरोना वायरस के लग रहे हैं। कोरोना वायरस, वो क्या है पापा? ये एक वायरस है जो आज महामारी बन गई है। चलो जल्दी मैं आपको हॉस्पिटल में चेक करवा कर आता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए मेरे पापा को क्या हुआ है। पहले आपके पिताजी का कोरोना टेस्ट होगा, फिर ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। क्या कहा डॉक्टर साहब, कोरोना टेस्ट? हाँ हाँ, पहले आपके पिताजी का कोरोना टेस्ट होगा। घनश्याम, आपके पिता कोरोना पॉजिटिव हैं, अब इन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। क्या कहा डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी हालत मुझे काफी खराब लग रही है। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद आप इनसे नहीं मिल सकते, और आपकी फैमिली और आपका कोरोना टेस्ट होगा, और आप सभी को क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते, क्योंकि यह बीमारी एक दूसरे से ही फैलती है। क्या कहा डॉक्टर साहब, हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते। आप घनश्याम बोल रहे हैं? जी सर। मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर बोल रहा हूँ। अब आपके पिताजी की तबीयत पहले से बेहतर है, परंतु अभी भी आप उनसे नहीं मिल सकते। जी और आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुना है घनश्याम के पिताजी को कोरोना हुआ है और वो बहुत बीमार है, क्या हम इनके पास जाना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं यार, वो कोरोना पॉजिटिव है और उनकी फैमिली भी आइसोलेशन में होगी, अगर हम उनके घर गए तो शायद हमें भी कोरोना हो सकता है। देखा मैंने कैसे इस इंसान को मजबूर कर दिया है, ये तो कुछ नहीं, मैंने तो बच्चों को भी स्कूल से दूर कर दिया है, देखना चाहते हो? अरे अब तो हमें छुट्टियां हो गई हैं। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं, इस कोरोना ने तो हमारे मजे ही लगा दिए। हाँ अब तो हमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। दुखी कर रखा है स्कूल तो पता नहीं कब खुलेंगे, घर में बैठे बैठे कुछ करते नहीं है, दुखी कर रखा है। And your voice is not coming. गुड मॉर्निंग बच्चों, सबने ज्वाइन कर लिया? प्लीज ओपन द पेज नंबर 23। हेलो हेलो मैम, मैम आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब आ रही आवाज? मैं क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, साथ में मजे से फेसबुक में चला लेता हूँ, इसके बारे में टीचर को भी नहीं पता चलेगा और मैं टीचर को बुद्धू भी बना लूंगा। अब मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ। हाँ मजा आ गया। मैं जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, मैम आज नया टॉपिक करवाने वाली हूँ, बहुत जल्दी हमारे ऑनलाइन एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड बेटा, क्लास लगा रहे हो। हेलो शालू। हेलो सनेहा, आओ बैठो। बेटा क्लास लगा रहा था, मिली मैं उससे।
कुछ भी कहो, टीचर मेहनत तो कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्कूल न लगने का बहाना बनाकर फीस नहीं देना हाँ, चाहते। हाँ, तुमने ठीक कहा, टीचर तो मेहनत कर रही है। हाँ, ऑनलाइन क्लास तो चल ही रही है, हमें फीस देनी चाहिए, तभी तो टीचर्स की भी फैमिली चलेगी। हाँ, तुमने ठीक कहा। देखी मेरी ताकत, लापरवाही तो मुझे पसंद नहीं। जो लोग लापरवाही करते हैं मैं उनको तो छोड़ता ही नहीं। देखना चाहते हो तो देखो। जेरी, जेरी, जेरी। हेलो जेरी। हाय आशु। अरे आशु, तूने मास्क नहीं लगाया क्या? तुम्हें पता नहीं आजकल कोरोना वायरस फैला है? अरे कुछ नहीं होता, चल चल खेल कर आते हैं। हाँ चल चल। अरे जेरी, खेलने का तो मजा आ गया। चल कुछ खाते हैं। मेरे पास चिप्स का पैकेट है, मैं खोलता हूँ उसे। अरे पहले हाथ धो लेते हैं फिर खाएंगे। अरे कुछ नहीं होता, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोने चाहिए। अरे कुछ नहीं होता, इससे पहले हमने कभी हाथ धोए? बता, धोए? लो, मैंने अपने हाथ साफ कर लिए, अब तुम भी कर लो। ये हाथ साफ करना हुआ? हाथ साफ करना हुआ? मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ, मैं जा रहा हूँ घर। अरे जेरी सुन तो। अरे अरे आशु, तुझे तो खांसी है और तू मुंह पर हाथ भी नहीं रखता। मैंने तुझे पहले भी कहा था ना, मास्क पहन लिया कर। अरे कुछ नहीं होता, तेरी यही लापरवाही एक दिन तुझे ले डूबेगी। मैं जा रहा घर। अरे हाँ, मैंने सुना है आशु कोरोना पॉजिटिव आया है, उसे तो खांसी भी थी। मैंने उसे कितना समझाया पर उसने मेरे एक ना सुनी। उसे तो उसकी ही लापरवाही ले डूबी। देखा मैं कैसा हूँ, मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं मानव को समय के साथ चलने नहीं दूंगा। ये वायरस तू हमें मारेगा, हमें समय के साथ नहीं चलने देगा। जा जा, हमने तो समझने के लिए मास्क पहनना शुरू कर दिया है। हमने अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से साफ करना शुरू कर दिया है। और तो और बात भी हम 6 गज की दूरी से करते हैं। इन उपायों से तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने तुमसे बचने के लिए वैक्सीन को भी बना लिया है। अब तो हमने समय के अनुसार अपने आप को भी बदल लिया है। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुश्किलें, हाँ मुश्किलें, जिंदगी का दूसरा नाम ही मुश्किलें हैं। हमें लड़ना है इन मुश्किलों से, जीना है इन मुश्किलों में, हराना है इन मुश्किलों को, और इन मुश्किलों के अनुसार अपने आप को बदलना है और आगे बढ़ते जाना है।